राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे शूटर दादी रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर, दोनों ही देवरानी और जेठानी हैं। इन्होंने अपने गांव का ही नहीं बल्कि जो भारत का नाम भी रोशन किया। आज इन दोनों महिलाओं की जो चर्चा शूटिंग में है पूरे विश्व में होती है, आज हम जो है शूटर दादी के जीवन का परिचय देंगे आपको। इसमें आप प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर के जीवन के बारे में अलग अलग चीज़ें जो हैं जानेंगे। तो आइए जानते हैं शूटर दादियों के बारे में, जिन पर एक जो है फिल्म भी बनी है जिसका नाम है सांड की आंख। नाम जो है चंद्रो तोमर, जन्म 1 जनवरी 1932 को, जन्म स्थान यूपी शामली। विख्यात नाम है शूटर दादी, पति का नाम भोर सिंह तोमर, पोती का नाम शेफाली तोमर। जीवन पर बनी फिल्म जो सांड की आंख, देवरानी जो प्रकाशी तोमर, उनका भी जो है जन्म 1 जनवरी 1937 को यूपी मुजफ्फरनगर में। शूटर दादी के नाम से मशहूर, पति का नाम जय सिंह तोमर, गांव जो है जोरी बागपति यूपी, बेटी का नाम सीमा और रेखा। जीवन पर बनी फिल्म जो है सांड की आंख। जेठानी चंद्रो तोमर, प्रकाशी तोमर एवं चंद्रो तोमर दोनों ही देवरानी जेठानी हैं। ये दोनों महिलाएं जो हैं सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं रही, इन दोनों ने जो है दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसको देखकर ही जो शूटिंग सीखी। जब प्रकाशी शूटिंग क्लब में गई तो वहाँ अपना कारनामा दिखाया। इसके बाद जो है चंद्रो ने भी शूटिंग का सफ़र किया। प्रकाशी तोमर से जब पूछा कि उन्होंने जो है शूटिंग करना कैसे शुरू कर दिया, प्रकाशी तोमर ने बताया कि उन्हें शूटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने तो अपनी बेटी को सिखाने के लिए बस पिस्टल अपने हाथ में लिया था। अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि उनकी बेटी सीमा शूटिंग सीखना चाहती थी, इसलिए वह रोजरी शूटिंग क्लब में अपनी बेटी को लेकर गई। अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाने के लिए जैसे ही पिस्टल हाथ में लेकर निशाना लगाया और किस्मत से वह निशाना लग गया। ऐसे में मौजूद वहाँ सभी लोगों ने उन्हें हैरत से देखा। वहाँ मौजूद कोच फारूक पठान ने दादी का यह कारनामा देखकर उन्हें रोजरी राइफल क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा, तो दादी ने जो है क्लब ज्वाइन कर लिया। प्रकाशी तोमर कहती हैं कि मैं एक साधारण गृहिणी थी, इस उम्र में 65 साल की उम्र में निशानेबाजी सीखना लोगों के लिए मजाक था, इसलिए मैं खेतों में छुप कर निशानेबाजी सीखा करती थी। इसमें उनकी जेठानी चंद्रो तोमर ने भी उनका साथ दिया, वह दोनों ही निशानेबाजी सीखने लगी, साथ में उनकी बेटी सीमा भी निशानेबाजी सीखने लगी। पर कहते ना कि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, जैसे लोगों को पता चला उन्होंने मजाक बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि फौज में जाएंगी तो किसी ने कहा कि एक कारगिल युद्ध जीत कर आएंगी, पर मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया और हम दोनों रोजरी क्लब में जाने लगी। वह हफ्ते में एक दिन जाती और बाकी दिन घर पर ही काम करती थी। प्रकाशी तोमर का कहना कि 15 पोते पोती एवं 8 बच्चों की माँ जब अचानक शूटिंग करने लगे तो लोगों को कैसा लगेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर निशानेबाजी हमारी पहली पसंद बन चुकी थी। यही वजह है कि दिल्ली में DIG के साथ निशानेबाजी करते हुए हमने DIG को भी हरा दिया था और वहाँ से गोल्ड मेडल भी हासिल किया। यहीं से हमें एक पहचान मिली और अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया, 25 से ज़्यादा मेडल जीत चुकी हैं। शूटर दादी रिवॉल्वर दादी के नाम से जाने जाने लगी। दोनों ही देवरानी जेठानी ने जो है निशानेबाजी में एक खास जगह बना ली। 60 साल से ज़्यादा की उम्र में दोनों ने जो है बंदूक उठाकर निशाना लगाया और दोनों जो है सफल भी हो गई। उनके उस पर जो एक फिल्म बनी सांड की आंख, पहले जो है उनका नाम उमनिया रखना था जो बाद में बदल दिया गया। सांड की आंख फिल्म में जो है भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू इनका जो किरदार निभा रही हैं। फिल्म का निर्देशन किया है तुषार हीरानंद ने। गूगल द्वारा भी जो है सम्मानित हो चुकी हैं, प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं, बाल विकास मंत्रालय द्वारा भी जो है सम्मानित हो चुकी हैं, टीवी शो में भी नजर आ चुकी हैं, सत्ता में हो जाते हैं इंडियाज गोट टैलेंट।
OMG प्रोग्राम में जो है इनको स्टोरी सुनाई थी। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शूटर दादी में से जो है चंद्रो तोमर की जो है मृत्यु हो चुकी है कोरोना के टाइम पे, उनको जो है ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ने के कारण उन्होंने 30 अप्रैल 2021 को दम तोड़ दिया।